नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। के इलेक्ट्रिक का आईटी सब सिस्टम का हाल हैक है और हैकर्स ने के इलेक्ट्रिक से 38 मिलियन डॉलर तलब कर लिए हैं। अंजुम वहाब इस मुतालिक में आगाह करेंगे। अंजुम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पीर से ये सिस्टम का हैक हुआ हुआ है। आईटी सिस्टम, सैप सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, जो भी तमाम इनके जो नेटवर्क है उसको हैक किया गया। हैकर ने अब के इलेक्ट्रिक से लाखों डॉलर तलब कर लिए। उन्होंने काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है उनकी वेबसाइट के ऊपर, जो अभी तकरीबन 15 सितंबर की उन्होंने डेडलाइन दी है। और डेडलाइन तक उन्होंने कहा है कि अगर 38 मिलियन डॉलर आपने अदा कर दिए तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दे दिया जाएगा जिससे आप अपने नेटवर्क को दोबारा हासिल कर लेंगे और तमाम डाटा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन अदम अदायगी की सूरत में 15 सितंबर के बाद ये रकम दुगनी हो जाएगी और इस रकम दुगनी के बाद इसी तरह अगर इनकी बात ना मानी गई, इनको पैसे ना दिए गए तो ये रकम जुर्माने के तौर पर उन्होंने कहा कि ये बढ़ता चला जाएगा। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कह रहे हैं कि उसकी रकम है ये जिसके जरिए आप अपना डेटे का हासिल दोबारा कर सकते हैं। और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन समेत बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट भी हैकर्स के पास मौजूद है। हैकर्स ने यह भी दावा किया है कि तमाम डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रिक का माली निजाम वगैरह जितनी चीजें भी हैं उन्होंने हैक की हुई हैं और तमाम चीजें अगर इनको डाटा वापस चाहिए तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसको वापस देने के लिए उनको रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम।